पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देदास्यम् पूर्णानंद दया दृशा रस दया सस्वत् प्रसादो दया ब्रह्म ज्ञान विनो दया जन मनो मोदा विश्व प्रेम विकास हासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंद दया मदीय मनसे कांचे कणाम छतो यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार मेकम् अध्यात्म दीपमति तितीरशताम् तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गृहं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय वागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत तं नृसिंहमहं भजे अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् येन मूलो भक्तवत्सल भगवान् की सद्गुरुदेव भगवान् की श्री नृत्य गोपाल भगवान् जय जय श्री राधे नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरणालय भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए संतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री उद्धव जी महाराज ने संतों के विषय में जिज्ञासा की है। उसका कारण है कि संतों के संग के माध्यम से हमारे अंतःकरण में भगवत भक्ति का आगमन होता है, तो जिनके संग के कारण, जिनके सहयोग के कारण, जिनकी कृपा दृष्टि के कारण हम सबके जीवन में भगवत प्राप्ति हो, भगवत भक्ति की प्राप्ति हो, उनके विषय में जानकारी तो होनी ही चाहिए। हमारे भगवान ने यहां संतों के 30 गुण बताए हैं। भगवान बताना प्रारंभ करते हैं, कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारो अनवद्यात्मा समह सर्वोपकारकम। संत के हृदय में करुणा का निवास होता है। हमारे एक महात्मा कहते थे, अगर हृदय में करुणा न हो तो वह संत होगा ही नहीं। ये कृपालुता का उसका सहज स्वभाव है। कृपा करना उसकी सहज रुचि होती है, तो कृपालुता का स्वभाव और किसी के प्रति भी द्रोह नहीं होता है। अधिकतर हम लोगों के चित्त में द्रोह का संबंध दुख देने वाले से होता है। कारण क्या है, द्रोह उसके चित्त में क्यों नहीं होता है? एक तो सर्वत्र भगवद भाव से चित्त भरा होता है कि सब जगह भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कोई है नहीं, तो यदि हमको दुख मिल रहा है तो वह दुख देने वाला व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए ही भगवान के द्वारा यह सप्लाई हो रही है। तो दुख देने वाले के रूप में यदि अपना प्रिय दिख जाए तो फिर उससे द्रोह नहीं होता है,
अथवा दूसरा हेतु और भी है। दूसरा हेतु यह है कि वह दुख देने वाला यदि कोई दिखता है तो समझता है कि हमारा प्रारब्ध ही इसके माध्यम से हमको दुख दे रहा है। तो प्रारब्ध ही हमारा दुख दे रहा है, इसलिए उससे दुश्मनी होने का चांस है ही नहीं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अधिकतर सामान्य लोग किसी को सुख देने वाला मानते हैं, किसी को दुख देने वाला मानते हैं। उनको लगता है इसने हमको सुखी बना दिया, इसने हमको दुखी बना दिया। तो उत्तम दृष्टि तो ये है कि भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा दिखे ही नहीं, उत्तम दृष्टि है। और यदि भगवान के अतिरिक्त तो कोई दिखेगा नहीं तो किससे दुश्मनी करेगा। अरे नारायण, अपने आप कई बार अपना नाखून ही अपने को लग जाता है तो हम नाखून से दुश्मनी थोड़ी करते। कई बार अपना दांत ही काट लेता है अपनी जीभ को, होठों को काट ले, जीभ को काट ले, तो काटने वाले के प्रति कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। क्यों दुश्मनी नहीं होती? क्योंकि दूसरा कोई नहीं है दुख देने वाला, अपना है। तो द्रोह का हृदय में महाराज स्थान नहीं होता है और वह तितिक्षु होता है। सहना उसका गहना होता है। महात्मा कोई अमुक प्रकार की माला पहनने से महात्मा नहीं बन गया, उसने एक ऐसा गहना पहना है जिस गहने का नाम सहना है। जिसने सहने का गहना पहन लिया फिर उसका क्या कहना है, वही महात्मा है। जिसके जीवन में सहन शक्ति नहीं है वह महात्मा कैसे बनेगा? सहना तो आना, हमने तो महाराज देखा है कि घर गृहस्थी में भी रहो परिवार में तो बिना सहे नहीं रह सकते, वहाँ भी सहना ही पड़ता है। और हमने तो महाराज कई बार देखा है कि जो लोग अपने बड़ों की नहीं सहते, माता की नहीं सहा, पिता की नहीं सहा, बड़े भाई की नहीं सहा, गुरुजनों की नहीं सहा, उनको फिर बच्चों की सहनी पड़ती है। अरे बच्चों को ही नहीं, नौकरों की भी सहनी पड़ती है। तो सहना एक परिस्थितिवश है और एक मनस्थितिवश है। जो परिस्थितिवश सहता है वो महात्मा है, और जो मनस्थितिवश सहता है वो महात्मा है, और जो परिस्थितिवश सहता है वो गृहस्थ है, वो संसारी व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से महात्मा वह है, साधु वह है जिसके जीवन में सहने का गहना हो, क्षवा। और इतना ही नहीं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य संत जन कहते हैं कि सहना केवल अपने ही आसपास वाले लोगों के लिए नहीं, अथवा जिनसे कुछ लाभ होने वाला होता है। हमने देखा है ये बनिया को, जो अभी एक बनिया से हमारा पल्ला पड़ा, उसने कुछ बिल ज़्यादा बना के भेजा तो मैंने उसको डांट लगाई, आश्रम का बिल था। तो पहले तो हमारे ऊपर नाराज हुआ हो कि कौन होते हो तुम कहने वाले। तो महाराज जी हमारे सामने थे, तुमने कहा महाराज जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ। महाराज इतना कहते ही उसकी भाषा बदल गई, गलती हो गई, वो भेजने वाले ने गड़बड़ भेज दिया होगा और मेरे को तो कोरोना हो गया था, महाराज जी माफ़ कर दीजिए और मैं तुरंत अभी चेक कराता हूँ, इतना तो गड़बड़ नहीं होगा। हमने कहा पहले मेरे को डांट रहा था, और जो उसको परिचय पता चला को पता चलता है कि बाद में इनसे व्यापार करना है हमको, तो एकदम भाषा बदल गई, इतना सहिष्णु हो गया। महाराज जी मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, जल्दी ठीक हो जाऊँ, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है किंतु पहली बार बातचीत हुई। तो ये जो महाराज बातचीत, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि एक वाक्य में ही उसका व्यवहार बदल गया। तो लाभ के लिए जो सहना है वो सहना सहना नहीं है, वो तो व्यापारी लोग सहते ही हैं,
कटु वचन सहते हैं, उपेक्षा सहते हैं, आप तो हमारा हित चाहते हो, आपसे तो हमारी जीविका चलती है, आदि आदि जो भाषा, ये सचमुच की सहने की भाषा नहीं है, जिससे किसी प्रकार का लाभ का भाव न हो, न दृष्ट न अदृष्ट। ऐसा नहीं कि अभी लाभ नहीं तो बाद में लाभ की बात सोकर सहे, लाभ की इच्छा से नहीं, जो सहज सहता है वो तितिक्षु है और वो साधु है, इसलिए सर्वदेही नाम। सर्वदेही नाम का अभिप्राय चीटी से भी कष्ट मिले, बिच्छू से भी कष्ट मिले, सर्प से भी कष्ट मिले, उसके प्रति भी द्रोह का भाव नहीं। महर्षि ने बताया कि एक बार बाबा ने, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने आसन डाला बैठने के लिए, उसके महाराज नीचे बिल था, उसमें सर्प था, बिस्दर सर्प। अब बाबा का तो आसन लग गया, वो महाराज फुंकारता रहा बिल्कुल, किंतु बाबा रात में नहीं उठे, क्योंकि रात्रि में उठते तो काट लेता, जैसे उठे तो चला गया, किंतु उसके प्रति दुश्मनी नहीं कि मार दे, ये किसी को डस लेगा, सहज उनका अद्रोह का भाव है। तो साधु का अंतःकरण अद्रोह से भरा हुआ, सर्वदेही नाम तितिक्षा से भरा हुआ, और उसका सार सत्य है, सार संसार नहीं है। जो संसार को सार मानता है वह साधु नहीं है, व्यवहार को भी सत्य नहीं मानता, वो परमार्थ को ही सत्य मानता है। सत्य सारा और सत्य व्यापार, अर्थात उसका सत्य का व्यापार भी है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है अनवद्यात्मा। अनवद्यात्मा का अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने किया है, अनवद्यात्मा का अभिप्राय है किसी के प्रति दोष का भाव नहीं, असूया का भाव नहीं है। असूया का अभिप्राय, कई लोगों के जीवन में ऐसा व्यवहार होता है कि गुण में भी दोष दर्शन करते। महर्षि ने तो महाभारत का वह श्लोक उद्धृत किया है और वो समझने लायक है, यदा न कुरुते भावम, यदा न कुरुते भावम सर्वभूत पातकम कर्मणा मनसा वाचा सधर्म वेद जाजले। धर्म का जानकार कौन है? सच्चे धर्म का जानकार नारायण वह है जो किसी को भी पापी नहीं मानता है, किसी भी व्यक्ति को। कर्मणा मनसा वाचा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। कई बार हम मन से तो मानते हैं कि बड़ा दुष्ट है, किंतु वाणी से बोलते नहीं है। किंतु साधु तो वह है, सच्चा धर्म का जानकार वह है कि मन से भी पाप की दृष्टि न बने, पापी की दृष्टि न बने कि पापी है व्यक्ति। क्योंकि मन में यदि बात आई तो निश्चित रूप से हमने उसको मन में स्थान दिया, और ये महर्षि इस वाक्य को कई जगह उद्धृत किए हैं। सज्जन पुरुष को तो सब जगह सज्जनता दिखती है, पापी सर्वत्र पापम आसंक्यते। पापी व्यक्ति को तो सब पापी दिखते हैं, सब जगह पाप की ही आशंका रहती है, उसने ये गड़बड़ किया होगा, उसने ये गड़बड़ किया होगा, उसने ये गड़बड़ किया होगा। महाराज हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि दो लोग आपस में मित्र हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद से हंस रहे हैं, किंतु पापी की दृष्टि पड़ी तो कहता मेरे लिए कुछ कह रहे होंगे और ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो पाप जिसके अंतःकरण में भरा होता है वह सर्वत्र पाप की ही आशंका करता है, इसलिए साधु को किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं है। अरे नारायण, जिसको हम अपने दुश्मन में भी नहीं देखना चाहते, आप जरा दोष का कभी ध्यान देना, किसी में भी दोष दर्शन होता है तो अपने को खटकता है, और वो यदि हम अपने अंतःकरण में निवास उसको दे दे तो कितनी बड़ी गलती हमारी हुई। क्योंकि जब हम उसको अपने अंतःकरण में पाप मान करके निवास देते हैं, हमने एक महापुरुष से श्रवण किया था कि 12 वर्ष दो शिष्यों को गुरुजन ने अध्यात्म की शिक्षा दी,
12 वर्ष तक उनको शिक्षित किया और 12 वर्ष शिक्षित करने के बाद उनको परिव्राजक बनाया। पहले महात्मा लोग चाहते थे कि उनके शिष्य परिव्राजक बने, क्योंकि परिव्राजक बनने में घूमने में बहुत लाभ है और योजनाबद्ध घूमने में नहीं, कि पहले से टिकट बनी है, पहले से निवास स्थान निश्चित है, पहले से भगत लेने आने वाला है, इस घूमने में उतना लाभ नहीं है। कोई आश्रय न हो, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कोई योजना नहीं। तो ऐसी जो यात्रा होती है महात्माओं के द्वारा, इसमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे संवाद सुनने को भी मिलते हैं, दुष्ट संवाद सुनने को भी मिलते हैं, अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, दुष्ट दृश्य देखने को भी मिलते हैं, सब प्रकार की सर्दी गर्मी माना अपमान सब सहने का अवसर मिलता है। तो महात्मा ने कहा जाओ तुम तीर्थ यात्रा करो। तो दोनों गुरु भाई तीर्थ यात्रा किए, एक गुरु भाई थोड़ा छोटा था, एक बड़ा था, और गुरु जी के पास पहले से वो आया हुआ था। दोनों गुरु भाई यात्रा किए तो हिमालय की यात्रा में थे, तो एक बरसाती नाला था। बरसाती नाला का अभिप्राय कि वो केवल वर्षा काल में उसमें खूब पानी आ जाता है, महाराज उसकी तीव्र गति होती है, पानी जब आता है ऊपर पहाड़ों में वर्षा हुआ तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो महात्मा दोनों पहुँचे गुरु भाई, तो देखा कि एक स्त्री वहाँ रो रही है। तो उन्होंने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का स्कूल छूट गया है और वो छोटा बच्चा है अभी, वो बहुत परेशान हो गया, वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, अगर जाएंगी तो बह जाएंगी। तो जो बड़ा गुरु भाई था उसने कहा कि माता जी मैं पार कर देता हूँ, और कंधे में उसको उठा करके बरसाती नाला से पार कर दिया और वो देवी चली गई अपने पुत्र के समीप। ये वर्षों के बाद यात्रा करके जब आए दोनों गुरु भाई, तो गुरु जी ने पूछा कि कैसी रही यात्रा तुम दोनों की। तो उन्होंने कहा गुरु जी आपकी कृपा से बहुत आनंद आया, ये दर्शन किए, ये दर्शन किए, किंतु एक बात मुझे बहुत खटक रही। छोटे गुरु भाई ने कहा क्या खटक रही है। बोले जो बड़े गुरुभ्राता हमारे हैं, इन्होंने अपने कंधे में एक स्त्री को उठा करके नदी पार किया था। गुरुजी ने पूछा क्यों रे, तूने ये काम किया था। बोले गुरुजी ध्यान नहीं है, ध्यान करता हूँ। फिर कहा हाँ हाँ गुरुजी उठाया था। तो बोले तेरे को ध्यान भी नहीं है। बोले बिल्कुल ध्यान नहीं गुरुजी, वो तो घटना थी, उस समय परिस्थिति थी ऐसी और हम करके निकल गए। तो गुरुजी ने छोटे वाले गुरु भाई को डांट करके कहा कि उसने तो एक बार उठा करके उससे मुक्ति पा ली और तब सालों से तू उसको अपने मन में उठाए घूम रहा है, उससे बड़ा पापी तू है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दोष को हम अपने मन में धारण करते हैं, नेक्षते यह परस्थोपी स्वा अस्विन धारयेत कथम, जिसे हम दूसरे में देखना नहीं चाहते हैं वो अपने हृदय में कैसे धारण कर रखे, अपने हृदय में कैसे उसको स्थान दे दिया है। तो साधु का स्वभाव यह है कि वह अनवद्यात्मा, कहीं किसी का दोष वो अपनी आत्मा में धारण नहीं करता है, अर्थात अपने हृदय में किसी के दोष का न तो चिंतन करता है, न तो कथन करता है और न तो दर्शन करता है कि कोई बात यदि हो गई तो गौर से ध्यान दे, हर दृष्टि से नारायण कथन, दोष का कथन या दोष का दर्शन, ये निश्चित रूप से हमारे चित्तवृत्ति को दोषाकार बनाते हैं। और कथन तो और भी खतरनाक है, दर्शन तो दोषाकार वृत्ति बना करके आपको थोड़ी देर के लिए कष्ट देकर मुक्त भी कर दे, किंतु जो कथन है दोष का वह कथन बहुत खतरनाक है।
कथन इतना खतरनाक है कि जो दोष करते हैं वो तो दोष के भागीदार बनते ही हैं, किंतु जो दूसरों के दोष का कथन करते हैं वो भी दोष के भागीदार बनते हैं, वो भी पापी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन है कि किसी के दोष और अपने पुण्यों को कभी मत कहो। जो अपने पुण्यों को कहता है वो पुण्यों को नष्ट कर देता है, और जो दूसरों के दोष को कहता है उस दोष का भागीदार है। आपने अपने किए हुए कर्मों को बार बार कहा किसी से कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक पुराण में तो वर्णन है कि एक राजा 100 अश्वमेघ यज्ञ करके पहुंच गया, इंद्र बना। जब वह इंद्र बना, किंतु पूर्व इंद्र का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, तो पूर्व इंद्र ने बड़ी चतुराई से उसको बगल में अपना आधा स्थान दिया और उससे पूछा कौन कौन सा तुमने पुण्य किया है। वो बार बार अपने पुण्य का कथन किया और पुण्य के कथन करने के कारण उसका पुण्य समाप्त हो गया, और उसने धक्का दिया, बोले तुम्हारा इंद्रपद समाप्त। इसलिए पुण्य का कथन नहीं करना और किसी के पाप का कथन नहीं करना। तो दोषाकार तो वृत्ति नहीं बनानी, और किसी के दोष को साधु कहता नहीं है, और समह वो समभाव से रहता है। और इतना ही नहीं, सर्वोपकार का सहज ढंग से साधु सब का उपकार करता है। महर्षि ने एक बहुत दिव्य दृष्टि दी है, अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान, भूदान, स्वर्णदान, ये सब दान तो हैं ही, किंतु सबसे बड़ा दान यदि कोई है संसार में तो अभय दान है। अन्न दान से भी ज्यादा, औषधि दान से भी ज्यादा, भूदान से भी ज्यादा, वस्त्र दान आदि से भी ज्यादा महत्व तो किसका है? अभय दान। और ये पूज्य संत चरण अभय दान करते रहते हैं, आपको नरक के भय से छुड़ा दें, आपको जन्म मृत्यु के भय से छुड़ा दें, पाप ताप संताप से छुड़ा दें, इससे ज्यादा उपकार और क्या होगा। हम तो आज गदगद हो रहे थे कि सचमुच में हम लोगों को कोई छोटी सी वस्तु देता है ना, तो हम बच्चों को सिखाते हैं थैंक यू बोलो, चॉकलेट दिया थैंक यू बोलो, कुछ कोई दे तो उनको धन्यवाद बोलो। हमको जो पूज्य संतों ने दिया है महाराज, उसका हम तो धन्यवाद कितना बोलेंगे। वाणी से बोल करके भी उनके उपकार से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। तो पूज्य संत चरण सर्वोपकार, सबके ऊपर उपकार करते हैं। जीव मात्र पर उपकार, जीव मात्र पर उपकार। आप कहेंगे कि जीव मात्र पर उपकार कैसे होगा? हमारे पूज्य संत चरण जहां जहां रहते हैं, आपको क्या बताएं, नवम स्कंद में भी इसकी चर्चा है और भी सप्तम स्कंद में है, यत्र यत्र च मद भक्ताः प्रशांताः समदर्शिनः। जहां जहां ये पूज्य संत चरण रहते हैं, समदर्शी प्रशांत चित्त वाले, पूयन्तेपि कीटकाः, ये सबका उपकार करते हैं जी, हर ढंग से उपकार करते हैं। आपको क्या कहें, एक महात्मा हमारे बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा, उनको किसी ने कहा कि महात्मा जी तुम साधु बनकर के पृथ्वी के बोझ हो, कुछ करते कराते तो हो नहीं, फ्री का खाते हो, फ्री का उपभोग करते हो। तो महात्मा बड़े हंस करके बोले कि भाई और कुछ करें चाहे न करें, किंतु पृथ्वी का बोझ तो नहीं बढ़ाते हैं, पृथ्वी का बोझ तो नहीं बढ़ाते हैं। तो गृहस्थ ने पूछा क्या बोझ नहीं बढ़ाते हो? उन्हें कहा जो तुम लोग बढ़ा रहे हो, इतना बड़ा परिवार करते जाते हो, अधिकतर मारा संतान नालायक पैदा होती है, अधिकतर लायक संतान तो वो हैं जो भगवत भजन में लग जाए, भगवत चिंतन में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, ऐसी संतानें कहाँ होती हैं जी।
तो इन संतानों को पैदा करके गृहस्थी बढ़ा करके उन्होंने कहा बोझ तो तुम बढ़ा रहे हो, बोझ तुम हो, बोझ हम नहीं है। हंस करके कहा, कोई विरोध नहीं, मैं सुन रहा था। हमने कहा ये देखो साधु का, तो मैं निवेदन कर रहा था सबका उपकार करते हैं जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। और दूसरी बात तो विचार करने लायक बात यह है कि हमारे विचारों का भी प्रभाव वातावरण में पड़ता है। तो पूज्य संत चरण जहाँ रहकर भजन करते हैं, आपको बताएं तो उनके शरीर का स्पर्श करके वायु बहती है, वो भी जिसका स्पर्श करती है उसका भी कल्याण हो जाता है। अब वो कोई विचार करके थोड़ी बहती है, आप लोगों ने सुना दत्तात्रेय जी महाराज की शरीर की वायु एक वारांगना को लगी, उसका विचार बदल गया, उसकी चित्तवृत्ति बदल गई। तो ये सबका उपकार करते हैं, कोई चेहरा देख करके नहीं, साधु का स्वभाव है सबका उपकार करना। और इतना ही नहीं, हमारे भगवान कह रहे हैं कामई ही अहरत मरा धीर दांतो मृदु सुचि ही अकिंचन कामई हृत। कामई हत का अभिप्राय क्या है? कामना के द्वारा उनका अंतःकरण घायल नहीं होता है। हमारे महर्षि ने एक बात बड़ी सुंदर कही, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये रहते तो बाहर हैं, और जैसे इंद्रियों के द्वारा ये मिले तैसे ही महाराज हमारी बुद्धि आहत हो जाती है, बेचैन हो जाती है। जैसे किसी को कोई चोट लग जाए ना और वो बेचैन होता है, तड़फड़ाने लगता है, वैसे ही कामनावान व्यक्ति तड़फड़ाता रहता है, वो बेचैन रहता है। तो संसार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये कभी साधु को घायल नहीं कर पाते हैं, उनकी बुद्धि को महाराज बेचैन नहीं कर पाते हैं। और दांतः इंद्री संयम, दांत माने इंद्री संयम, महाराज वह इंद्री संयमी होता है। दांतः संयतम बाह्य इंद्रियः, सीधा स्वामी पाद लिखते हैं जो बाह्य इंद्री हैं उन बाह्य इंद्रियों में संयम रखता है, दांत उसका नाम है। और मृदु, साधु का जो हृदय है नारायण मृदु हो कोमल चित्तः, उनका हृदय बहुत कोमल होता है साधु का। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक वर्णन किया कि जिन लोगों ने संतों के हृदय की उपमा दी है उन लोगों ने उपमा देना जाना नहीं। क्यों? बोले संत हृदय नवनीत समाना। लोग कहते हैं कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। बाबा कहते हैं कहा कबिन, कवियों ने कहा तो सही किंतु कहना नहीं जाना। क्यों भाई? आपके पास ये मक्खन से भी ज्यादा कोई कोमल उपमा है क्या? अब मक्खन नवनीत बहुत कोमल होता है। बोले मक्खन नवनीत होता तो कोमल है किंतु उसमें गड़बड़ी है, जो साधु हृदय में नहीं है। क्या गड़बड़ी है? बोले निज परिताप द्रवे नवनीता। नवनीत के नीचे मक्खन के नीचे कोई आग लगा देता है तो महाराज वो पिघल जाता है, किंतु साधु का हृदय ऐसा मृदु नहीं है, ऐसा कोमल नहीं है। उनको चाहे कितना कोई पीड़ा दे किंतु उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उससे कोई पिघलता नहीं, मृदुता ऐसी नहीं उनकी। निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रव ही सो संत सुपुनीता। संत सुपुनीत वह है जो दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाए। तो ये जो मृदुता का गुण है महाराज साधु में, ये मृदु हृदय वाला है, मृदु हृदय वाला भी है, मृदु वाणी वाला भी है, उसके जीवन में मृदुता का संचार है, हृदय कोमल और वाणी भी कोमल। इतना ही नहीं, सुचि ही, सुचि ही का अभिप्राय है पवित्र ही है,
सुचि ही सदाचार। श्रीधर स्वामी पाद ने सुचि शब्द का अर्थ किया है सदाचार। उसका जो आचार विचार है वो बड़ा पवित्र है। और इतना ही नहीं बोले अकिंचन, अकिंचन शब्द का अर्थ कहते हैं महाराज अपरिग्रह। एक टीकाकार तो लिखा है कि वो किसी का दान भी स्वीकार नहीं करता। यहाँ है अपरिग्रह, ये सीधा स्वामी पाद का अर्थ मुझे ज़्यादा जलता है, परिग्रही नहीं है। महाराज ने तो कहा कि उसके पास ऐसी कोई पोटली नहीं है, ऐसी कोई संदूक नहीं है जिसमें कोई पूछ दे कि क्या इसमें है। पूछने का कोई अवकाश ही नहीं है कि इसमें क्या है। अर्थात उस अपने पास कुछ संग्रह के रूप में नहीं रखता है। ऐसे सुचि ही अकिंचना अनि हो, महाराज वह अनि है। अनि का अर्थ किया है महाराज इष्ट क्रिया शून्य। इष्ट क्रिया शून्य का अभिप्राय वह कुछ प्राप्ति के लिए काम नहीं करता है कि ये हम काम करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अभिप्राय उसका ये है कि वह किसी उद्देश्य के लिए कर्म करने में नहीं लिखा है महाराज इष्ट क्रिया शून्य। हाँ, और इतना ही नहीं, देखो साधु कैसे रहता ये भी पता चलता है। भगवान बता रहे हैं कि साधु का व्यवहार व्यापार कैसा है। 30 गुण बताए हैं भगवान ने, एक गुण ये भी बता रहे हैं मित भुक। मित भुक का अभिप्राय बहुत ज़्यादा खाने वाला नहीं होता है, भोजन उतना ही करे जिससे शरीर चल जाए। महाराज जो शरीर चलाने के लिए भोजन करते हमने देखा है वो स्वाद के लिए नहीं करते। हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज जब हमको पहली बार मिले ना, जब अज्ञातवास में चले गए थे, उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई तो स्वामी जी को मैं नहीं पहचान पाया, स्वामी जी ने मेरे को पहचाना। हमको किसी ने कहा कि महाराज जी पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति में जितने साधु बैठे थे मैं देख रहा था, इस वेश में कभी देखा नहीं था। शरीर दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और ऊपर कोई वस्त्र था नहीं, नीचे केवल यहाँ तक अचले तक महाराज घुटने तक अचला था। तो महाराज जी ने हमको देख करके बुलाया और कहा सामने वाली पंक्ति में बैठ जाओ भोजन के लिए। तो बैठ गया, भोजन किया तो देखा कि महाराज जी का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में तो हम लोगों को उत्तर भारत का तो भोजन मिलता नहीं है। तो मैंने कुछ टिप्पणी की महाराज जी को कि शरीर बहुत दुर्बल, बोले मुझे पता है इसको कितना देना है, ये रुग्ण नहीं है, ये शरीर रुग्ण नहीं है दुर्बलता के महाराज देखने में लगे। वो उतना ही भोजन करना है साधु को। ध्यान रखना, सिद्धों के लक्षण तो हैं ही है, किंतु साधकों के लिए साधना है। मैंने कल निवेदन किया था साधुओं के लिए, ये सिद्ध संतों के लिए तो लक्षण नहीं है, किंतु जो साधन पथ पर चलने वाले संत हैं उनके लिए साधना के सूत्र हैं। ये साधना के सूत्र हैं कैसे रहना है। तो मित भुक बहुत ज़्यादा खाने वाले नहीं महाराज, इतना खाने वाला लब्ध्वा आहार, जो आहार मिल गया जितना आवश्यक है उतना ले लिया। और इतना ही नहीं शांता, शांत शब्द का अर्थ किया है शांतो महाराज नियता नियत अंतकरण। अंतकरण में महाराज कोई चंचलता नहीं है। आपको बताएं, चंचल व्यक्ति यदि वह अंदर से चंचल होता ना तो उसकी क्रियाओं में पता चलता है। जैसे बंदर को आप शांति से बैठाना चाहो तो कभी बैठेगा नहीं, पता चल जाता है। एक महात्मा कहते थे हमको पता चल जाता है ये साधक है या ऐसा घुमक्कड़ानंद है, वैसे बोलते थे। तो हम कहते थे महाराज जी कैसे पता चलता है घुमक्कड़ानंद है कि साधक है। बोले साधक यदि बैठता है तो उसके हाथ पांव इधर उधर नहीं चलते बहुत ज़्यादा, इधर हाथ उधर हाथ, इधर आँख उधर वाँख, जहाँ बैठ गया साधक एकदम शांत, कोई आँख में चंचलता नहीं, कोई आँख में हाथ में चंचलता नहीं, कोई पैर में चंचलता नहीं, एकदम शांत बैठा हुआ है बिल्कुल एकदम, कोई उसके चित्त में चंचलता नहीं है, वह स्थिर बैठा हुआ है। स्थिरो
मच्छरणो मुनि। महर्षि ने शरण शब्द का अर्थ किया है घर। शरण माने घर, निवास स्थान। वह रहता कहाँ है? बोले परमात्मा में ही रहता है। वो दूसरी जगह नहीं रहता, उसका घर कोई अलग नहीं, स्थान अलग नहीं है, वह परमात्मा में ही निवास करता है। वह मननशील मत शरणो हो महाराज, मदेक आश्रय, केवल भगवान का आश्रय, मदई का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र आश्रय। टीकाकार ने लिखा है एकमात्र भगवान का भरोसा, एकमात्र भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वो ऐसे महात्मा हैं। और इतना ही नहीं महाराज, अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित महाराज जित सण गुण अमानी मानद कल्पो मैत्र कारुणिक कवि ही अप्रमत्तः। ध्यान रखना, साधु प्रमादी नहीं होता है, सावधान होता है। आलसी और प्रमादी में फर्क है। प्रमाद उसका नाम है, आप लोगों ने एक दिन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। प्रमाद किसको कहते हैं? कोई काशी के बड़े विद्वान आनंद वृंदावन में आए और महर्षि ने किसी संत को उनकी व्यवस्था में लगा दिया, इनको रहने की व्यवस्था सही हो, भोजन की व्यवस्था, जो जो आवश्यक है वो मिले। दूसरे दिन जब वो विद्वान महाराज जी के पास आए तो पूछा निवास स्थान ठीक है? बोले हाँ महाराज जी ठीक है। भोजन वोजन की व्यवस्था? हाँ हाँ ठीक ठीक हो गई। तो उच्चारण से पता चल जाता है कि व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है। तो पूछा दूध मिला? हाँ महाराज मिल जाएगा। शाम को दूध भी नहीं पहुंचाया उन्होंने, तो जिनकी सेवा में लगाया था उनको पूछा कि इनको दूध ले गए थे शाम को? उन्होंने कहा मैं महाराज भूल गया। ये प्रमाद है। वो सावधान होता है, जो काम उसको दे भूल गया उसकी डिस्कवरी महाराज उसके शब्दकोश में नहीं है। ये जो प्रमादी लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, इनको तो महाराज सब कुछ भूल जाता है। हमको तो कितनी सावधानी रखनी चाहिए सेवा में। पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज ने एक दिन सिखाया, चित्रकूट में थे और स्वामी जी ने हमको बुलाया कुछ खेत में। मैं कुएं से पानी खींच रहा था तो बाल्टी आधी दूर खींच ली थी, करीब 20 फुट पानी रहा होगा कुएं में, 10 फुट बाल्टी खींच ली थी, 10 फुट खींचना रह गया था। तो हमने सोचा बाल्टी खींच ले और खींच करके रख करके फिर जाए। मैंने कहा मैं आता हूँ। और बाल्टी खींच करके जब महाराज पहुँचा वहाँ रख करके, लग गया समय, स्वामी जी ने डांट लगाई, बोले मैं आवाज़ दूँ तो अगर बाल्टी तुम्हारी 10 फुट खींची तो बाल्टी छोड़ दो भाई, बाल्टी दोबारा कुएं से निकल आएगी, किंतु मैं किसी परिस्थिति में फंसा हूँ तो मैं कैसे बचूँगा? हमारा आवाज़ देना और तुम्हारा दौड़ करके आना। इसलिए जो साधु है, साधु का सीधा साधा अर्थ है जो परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है या प्राप्त हो चुका है। तो जिसको परम लक्ष्य, संसार के सामान्य लक्ष्य सिद्ध करने के लिए महाराज कितनी सावधानी चाहिए। हम देखते हैं थोड़ी सी त्रुटि हो जाए लोग नाराज हो जाते हैं। तो जिसको परमार्थ प्राप्त करना हो उसके जीवन में कितनी सजगता, कितनी सावधानी चाहिए। तो साधक प्रमादी नहीं होता, अप्रमत्तः और गंभीर आत्मा। गंभीर आत्मा का अभिप्राय हाजमा शक्ति तीव्र हो। ये नहीं कि जो सुन लिया सबको कह दिया, गंभीरता होनी चाहिए। हमने पूज्य स्वामी जी महाराज से ही सुना कि कोई बात कह दी किसी को जो नहीं कहनी थी,
बाद में महाराज जी को कुछ कहना होता तो स्वामी जी होते थे तब भी गर्दन घुमा के देखते थे और नाम लेके कहते ये तो नहीं है, ये सिखाना था। ये साधु का हमारा स्वभाव है, गंभीर आत्मा जो भी सुन ले कान से वो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सागर में जैसे सब समा जाता है, एक टीकाकार ने तो गंभीर आत्मा का यही अर्थ लिखा है, सागर के समान गहराई गंभीर आत्मा। और इतना ही नहीं, धृतिमान। धृतिमान शब्द का अर्थ यह है कि महाराज सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, ऐसे महाराज धृति को धारण करने वाले कि उनके जीवन में कहीं भी त्रुटि न रहे। और इतना ही नहीं, महाराज कहते हैं धृतिमान और जित सण गुण, जिन्होंने छह गुणों पर महाराज विजय प्राप्त कर ली है। ये छह गुण कौन कौन है जिस पर विजय प्राप्त कर ली है? ये छह गुण है भूख प्यास, शोक मोह और जरा और मृत्यु। इनकी परवाह नहीं है भूख प्यास की, और कहीं शोक नहीं, किसी के साथ मोह नहीं, और बुढ़ापा की मतलब ऐसा नहीं कि हाय हाय मर गए, और इतना ही नहीं मृत्यु का भय नहीं। ये लिखा है हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने, क्षुत पिपासा शोक मोह जरा मृत्युर, ये छह के सठ महाराज ये है इन पर विजय। एते है जिता एन सह सर्जितात्मा, जिस पर जिन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसे महाराज। और अमानी च, अमानी का अभिप्राय है कि मान की कामना न हो। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने भरत जी महाराज को अपने प्रेमी का स्थान बताया, सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। ये संत, ऐसे संत भगवान को अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। कौन संत प्राणों के समान प्रिय हैं? अमानी, स्वयं तो मान चाहिए नहीं कि हमको कोई कहे आओ जी बैठो जी, मान सम्मान की कामना नहीं। और ये नहीं कि हमको कामना नहीं तो हम किसी को और क्यों मान दें। कई लोग होते हैं महाराज हमको तो चाहिए नहीं किसी से, हम कई बार देखते हैं महात्मा हमारे हैं, कभी कोई बात होती है हमने कहा स्वामी जी ऐसे क्यों लाठी मारते हो एकदम, थोड़ा प्यार से बोलो, तो कहते हैं हमको किसी से प्यार से कामना नहीं है, हम किसी से प्यार नहीं चाहते, हम किसी की दया नहीं चाहते। अरे नारायण आपको कौन कहता है कि आप दया चाहिए, किंतु आप दया मत चाहिए किंतु दूसरों पर तो दया करिए। आप स्वयं सम्मान न चाहिए तुम्हें किंतु दूसरों को सम्मान देना चाहिए। तो साधु क्या है? बोले अमानी किंतु मानदह, अमानी महाराज मानदह मान्य, ये भगवान के भी गुण है, नाम है जी भगवान के। तो अमानी मानदह वो सबको मान देता है। महाराज देखते हैं सुनते हैं वक्ताओं से, महाराज जी छोटे छोटे व्यक्ति को भी सम्मान देते थे। ये सारे गुण में कई बार देखता हूं अपने गुरुजनों में दिखाई पड़ते हैं, सबके प्रति मान का भाव, सम्मान का भाव। और कल्पः, कल्पः का अर्थ सीधा स्वामी पाद ने किया है अपनी बात को समझाने में समर्थ। कई लोग महाराज बात तो बताते हैं किंतु अपनी बात पर बोधने दक्ष, पर बोधने दक्ष, दूसरे के उद्बोधन उद्बोधन में दक्ष, अर्थात दूसरे को समझाना हो तो जो अपने हृदय में भाव है वो दूसरे तक समझा कर पहुंचाया जा सके। कई बार देखते हैं जो अनुभूति अपनी होती है उसके लिए शब्द ही नहीं होते। हमारे कहते हैं कारुण मैत्र सबके प्रति हैं। श्रीधर स्वामी जी पाद कहते हैं मैत्रो अवंचका,
वो किसी को ठगता नहीं है नारायण, सबके प्रति मैत्री का भाव अभिप्राय, वह किसी को ठगता नहीं है, कभी किसी के प्रति वंचक का भाव नहीं, अवंचकाः कारुणिकाः करुणस्यैव महाराज प्रवर्तमानो च, उसके हृदय में करुणा का भाव भरा हुआ है, और कभी सम्यक ज्ञानी, कभी माने सम्यक ज्ञानी, अर्थात सम्यक ज्ञानी माने परमात्मा का ज्ञान, जिसे परमात्मा का संपूर्ण प्रकार से ज्ञान है, और आज्ञायैव गुणान दोषान मया दृष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजते ससत्तम। आज्ञायैव गुण दोषान, भगवान के द्वारा कहे हुए जो वेद, तो भगवान की वाणी है, उसमें भगवान ने धर्म अधर्म का दोनों का वर्णन किया है। धर्म के पथ पर चलने से क्या क्या लाभ है इसका भी वर्णन है, कौन सा यज्ञ करोगे तो कैसा स्वर्ग मिलेगा, अथवा कौन सा आपसे कर्म गलत हो गया तो कैसे नर्क मिलेगा, इसका भी वर्णन है। गुण दोष का पता हो जाने के बाद भी अपना हित अनहित को जानने वाला भी धर्मान संत्यज, किंतु वह सब धर्मों का परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मानो स्वाक्य को भगवान के चरितार्थ करता है, वह सब को छोड़ करके सर्वधर्मान मारा धर्मान संत्यज्य सा सर्वान माम भजते, जो केवल मेरा भजन करता है, किसी क्रिया के संपादन में नहीं लगता, अथवा ये कर्म यदि छूट गया तो कहीं हमारा कल्याण न हो जाए। हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के एक महापुरुष का वाक्य है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, अरे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो, क्यों बोले मैं नहीं कर पा रहा हूं, हमको श्री हरि के चिंतन से समय ही कहाँ है, भगवान के चिंतन से समय ही कहाँ है। तो भगवान के भजन में सतत लगा रहने वाला जो साधु है, वह सह सत्तमः, वह साधुओं में श्रेष्ठ है, अर्थात उसमें जो महाराज संगुण है वह साधुओं से भी श्रेष्ठ गुण वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ साधु है। इस प्रकार से भगवान महाराज संतों की महिमा का गान कर रहे हैं। अभी एक श्लोक में, कल इसकी व्याख्या और भी करेंगे, उसके बाद एक श्लोक और भी है जिसमें संत की महिमा का भगवान ने गान किया है, उसके बाद भक्ति का वर्णन करेंगे, भगवान भक्ति का क्या लक्षण है और भक्ति का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हम लोग क्रमशः सुनेंगे। भगवत कृपा से आज हमें पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज ने बताया है कि कल से लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, नहीं है तो कल से हमको पूज्य स्वामी जी महाराज का भी महाभारत का वह दिव्य सत्र जो चल रहा था उसका भी सुनने को मिलेगा। तो आप लोग समय से आकर के 9:30 से पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाएंगे, उसके बाद 10 से 10:30 तक मैं सुनाऊंगा, आप लोग आकर इसका पूर्ण लाभ लीजिए। महाभारत का वह क्रम दिव्य चल रहा है और मैं भी आकर के उसका लाभ लूँगा, आप लोग भी समय से आकर के, मुझे लगता है कि 1 महीने का लगभग गैप हो गया, 1 महीना तो हो गया होगा, पूरा 1 महीना हो गया ना, 1 महीना बहुत लंबा हो गया। बीच में तो हमारा मन आया कि मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूं जाकर, हमने कहा जैसे महाराज जी को अनुकूलता होगी तो कल से वह लाभ हम सब लोगों को मिलेगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे, और जिन संतों के लक्षण की चर्चा भगवान कर रहे हैं उनके बिंदु मात्र भी लक्षण हमारे जीवन में घटें, यही उनके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
श्रीराम।